हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि माइनिंग स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, CMR 1957 कब जारी हुआ? अर्थात CMR 1957, कोल माइंस रेगुलेशन 1957 कब जारी हुआ? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1957। अगला क्वेश्चन है, CMR 2017 यानी कि कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 कब जारी हुआ? तो इसका आंसर है 27 नवंबर 2017। अगला क्वेश्चन है, CMR 2017 में कितने रेगुलेशंस हैं? इसका आंसर है 260। अगला प्रश्न है, CMR 1957 में कितने रेगुलेशंस थे? 205। CMR 2017 में कितने रेगुलेशंस जोड़े गए? 49। CMR 1957 में कितनी अनुसूचियां थीं? 3। CMR 2017 में कितनी नई परिभाषाएं जोड़ी गई हैं? आंसर है 22। खान खोलने की वास्तविक तारीख का नोटिस किसे भेजा जाता है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, तीनों को। अगला है, एनुअल रिटर्न कब भेजा जाता है? 1 फरवरी या उससे पहले। अगला है, मैन राइडिंग लगाने हेतु इंक्लाइन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर या उससे अधिक। सस्पेंशन गियर के अवयवों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने से कम नहीं होना चाहिए? उत्तर है 10 से कम नहीं होना चाहिए। हॉलेज रोप के रस्से का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने से कम नहीं होना चाहिए? उत्तर है 8 से कम। मैनुअल ओपन कास्ट माइन में कड़ी एवं ठोस जमीन में बेंच की ऊंचाई कितने से कम नहीं होनी चाहिए? उत्तर है 6 मीटर। डंप या स्पॉइल बैंक का स्लोप एंगल कितने डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए? उत्तर है 37.5 डिग्री। डस्ट सैंपलिंग प्लान कितने पैमाने से कम पर नहीं बनाया जाएगा? इसका आंसर है 2000 is 1। क्लीनिंग डस्टिंग के बाद कितने घंटे तक की अवधि में डस्ट सैंपल नहीं लिया जाएगा? इसका उत्तर है 24 घंटे। डेंजर जोन ब्लास्टिंग के स्थान से कितनी दूरी तक होता है? इसका आंसर है 500 मीटर तक। ओपन कास्ट माइन में मटेरियल हैंडलेड 1 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष हो तो असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 10। ओपन कास्ट माइन में मटेरियल हैंडलेड 1 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष हो तो सर्वेयर की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 2। वह व्यक्ति जिसे शाफ्ट या इंक्लाइन के ऊपर व्यक्ति सामान औजार नीचे उतारने और ऊपर उठाने की निगरानी के लिए तथा घंटी सिग्नल देने के लिए रखा गया है उसे क्या कहते हैं? बैंक्समैन। सक्षम व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष। अगला है, डीप होल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं? 3 मीटर से अधिक गहरे होल। वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 12 माह की। HEMM का अर्थ क्या है? HEMM का अर्थ है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। खान खोलने की सूचना किस फॉर्म में दी जाती है? फॉर्म 1A में।
सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान किस रेगुलेशन के अधीन बनाया जाता है? रेगुलेशंस 104। एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में भेजा जाता है? फॉर्म 3 में। खान को बंद या अवेडेंट करने की सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को किस फॉर्म में भेजी जाती है? तो इसका आंसर है फॉर्म 1C में। खान में काम को स्थगित करने की सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को किस फॉर्म में भेजी जाती है? तो इसका आंसर है फॉर्म 1D में। खान को पुनः खोलने की सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को किस फॉर्म में भेजी जाती है? फॉर्म 1B में। धन्यवाद।